हम लोग इतना भाग भाग के आए ना कि ट्रेन ना छुड़ जाए, ट्रेन ना छुड़ जाए करके, बट लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम यू ऑल। नाउ आज का ब्लॉग है ट्रैवलिंग। आज छुट्टी का दिन है, शिवाजी जयंती है आज। सो आज छुट्टी था तो इस बार का प्लानिंग है कि हम लोग जाए सीधा इस बार पुणे दगड़ूशेठ हलवाई, तो गणपति जी का दर्शन करेंगे आज। तो लगभग हम लोग निकल गए यहाँ से, मॉर्निंग का ट्रेन है हम लोग का। दादर से हम लोग का बहुत सारी ट्रेन मिलने वाली थी बट मिली नहीं, तो रिजर्वेशन नहीं मिला हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से लगभग स्टार्ट कर दिए कि LTT जाएंगे, LTT से रिजर्वेशन मिल गया हम लोग को। सो अभी यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन लेने का क्योंकि हम लोग को लोकल टिकट्स मिल रहा है कि नहीं पुणे के लिए पता नहीं, क्योंकि शटल्स चलती है वहाँ पे। तो हम लोग ने LTT से रिजर्वेशन करवा लिया और फिर यहाँ से अभी बहुत घाई कर गया, दादर भी पहुँच गए अंदर। और अभी जो है 2 नंबर पे ट्रेन लगी है विशाखापट्टनम, जो यहाँ से साउथ ट्रैवल करेगी, बट हमारा फर्स्ट ही स्टॉप है पुणे। तो यहाँ से हम लोग वहाँ जाएंगे और लगभग बहुत ज़्यादा क्रश हो गया है। हम लोग इतना भाग भाग के आए ना कि ट्रेन ना छुड़ जाए, ट्रेन ना छुड़ जाए करके, बट लेट्स गो। और देखिए जर्नी, बाइक ट्रिप किया था हम लोग ने। सो इस बार का ऐसा था कि हम लोग ट्रेन में पुणे चले, क्योंकि लोगों बोलते हैं कि बहुत अच्छा है पुणे अगर आप इसमें से जाओगे, ट्रेन से जाओगे तो बहुत ही सुपर है। नहीं, 10:15 बजे हम लोग को पुणे स्टेशन पे उतार दिया और स्टेशन से बाहर आते ही अब सीधा मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर बता रहे हैं। तो यहाँ से रिक्शा वगैरह जो भी रहेगा वो लेके हम लोग सीधा मंदिर जाएंगे दगड़ूशेठ हलवाई। तो वहाँ पे ऑन द वे मिलता हूँ और देखते हैं क्या क्या है और पुणे में कैसे घूमने की चीज़ रहेगी, तो वहाँ पे घूम भी लेंगे। आज का दिन है पूरा हमारे पास और देखेंगे आज हुआ तो यहीं होल्ड करेंगे या तो फिर लेट में लेट निकल जाएंगे। सो वी आर रीच टू दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। ये सामने जो देख रहे हो ये पूरा मंदिर है, यहाँ से आगे से एंट्री लेंगे हम लोग और अंदर दर्शन करने जाएंगे। अंदर मोबाइल रहा तो मैं अलाउड रहा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर। ये बाहर से मुख दर्शन है, अब यहाँ से हम लोग आगे से एंट्री लेंगे। तो ये है फ्लावर मार्केट, जो कि मंदिर के राइट हैंड साइड से जाके सब पूरा फ्लावर मार्केट है और उसके ऑपोजिट में ग्रोसरीज का मार्केट है। ये पूरा ड्रेसेज वगैरह ये एग्जैक्ट मंदिर के सामने का वे है, महात्मा फुले मार्केट है यहाँ पे, इसके अंदर भी पूरा मार्केट है और ये वहाँ पे पूरा होलसेल मार्केट है, सब फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, ग्रोसरीज का, ये सारा पूरा मार्केट है। सो दर्शन कर लिया है अभी। अभी यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस पे शनिवाड़ा फोर्ट है, वहाँ पे जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए। ये है शनिवार वाड़ा फोर्ट, जो कि मंदिर के एग्जैक्ट राइट हैंड साइड से 600 के मीटर्स पे है। और ये पूरा महल है जो कि ब्रिटिशर्स 42 इयर्स लग गए मराठा पे राज करने के लिए, बट मराठाओं ने नहीं दिया राज करने के लिए। तो अभी इसके अंदर हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री के लिए यहाँ पे काफ़ी लाएंगे। तो ये है शनिवार वाड़ा फोर्ट, जो कि 1730 में बनना स्टार्ट हुआ था, जो कि बाजीराव मस्तानी ने बनाया था। 2 साल में बन के ये रेडी हुआ था। ये है एंट्रेंस, एंट्री है यहाँ से शनिवार वाड़ा का। और ये लाइन लगी है यहाँ पे टिकट्स के लिए, जो कि कूपन वगैरह दे रहे लोग, और वो एंट्री पे भी ये लगेगा आपको एंट्रेंस के लिए और एग्जिट के लिए भी लगेगा यहाँ से।
बहुत मस्त है। पीछे पूरा पूरा मतलब जैसे बैक साइड कैसे सब लोग चल के आ रहे वैसा पूरा फोर्ट कनेक्टेड है पूरा हर जगह से। सो यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तीसरे चौथे से पूरा कनेक्टेड है यहाँ से। और अभी ये एग्जिट कर लिया हम लोग ने फोर्ट का और अभी जो है स्टेशन जाएंगे। स्टेशन से हम लोग को जो भी मिलेगा फैसिलिटी बस या ट्रेन जो भी मिलेगा उससे हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे। दादर CST या LTT जहाँ के लिए भी मिलेगा। बसेस हम लोग आते वक्त देखे काफ़ी अवेलेबल थी। बस हुआ या ट्रेन का फैसिलिटी मिला तो ट्रेन में निकल जाएंगे हम लोग। लेट्स सी। ये पीछे पूरा फोर्ट था और यहाँ से एग्जिट कर लिए। दो एंट्री दो एग्जिट है दोनों साइड से। बैक टू द मुंबई नाउ।